आपके साथ हैं लद्दाख जैसे फैसिनेटिंग शहर में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ की कुछ ऐसी झलकियाँ जिन्हें आप देखकर बहुत ही पसंद करेंगे। दोस्तों, लद्दाख एक रोमांचकारी जगह है जो रोमांचक पर्यटन के लिए मशहूर है। यह इलाका ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और राफ्टिंग के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यूँ तो यहाँ पहुँचना ही किसी रोमांच से कम नहीं, लेकिन यहाँ आने वालों के लिए उससे भी आगे बेइंतहा रोमांच यहाँ उपलब्ध है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़कों, मार्स्पिक ला और खारदुंग ला के अलावा इस इलाके में 7,000 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं जिन पर चढ़ने पर्वतारोही आते रहते हैं। ट्रैकिंग के भी यहाँ कई रास्ते हैं। जैसे ट्रैकिंग और राफ्टिंग के लिए तो यहाँ उपकरणों गाइड आपको मिल जाएंगे, लेकिन पर्वतारोहण के लिए भारतीय पर्वतारोहण संस्थान से संपर्क करना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्थानीय भ्रमण के लिए आपको यहाँ मोटरसाइकिल भी किराए पर मिल सकती है, और स्पेशली जो एडवेंचर पसंद जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। कैंपिंग के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और ख़ास तौर से यहाँ की जो घाटियाँ हैं, जैसे मैग्नेटिक हिल है, मैग्नेटिक हिल बहुत मशहूर है यहाँ पर, जहाँ मतलब आप ढलान पे खड़ी करेंगे गाड़ी तो पहाड़ की तरफ खींचती हुई चली जाती है, जो कि बहुत ही मशहूर है। लोग यहाँ गाड़ी रोक करके ये एक्सपेरिमेंट जरूर ट्राई करते हैं। वो देखते हैं कि गाड़ी किस तरीके से पहाड़ की तरफ खींचती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। सन 2009 में भारतीय वैज्ञानिक दल भी यहाँ पर इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया था, और उन्होंने इसे नज़रों का धोखा करार दिया था। उन्होंने ये बताया था कि गाड़ी जो है वो ढलान पर ही चलती है, पर हमें धोखा होता है कि हम चढ़ाव पर जा रहे हैं। और यहाँ पर शांति स्तूप भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और कई सारे जो ऐसी जगह हैं जिनको देख करके पर्यटकों का दिल जो है खुश हो जाता है। जैसे कि यहाँ के जो बौद्ध मठ हैं जो बहुत ही पुराने हैं, यहाँ की जो मोनेस्ट्रीज हैं जो कि बहुत पुरानी, जैसे कि अपने थिक्से मोनेस्ट्री है वो भी लद्दाख की बहुत मशहूर है, और ये करीबन 500 से 700 वर्ष तक पुरानी ये जगह हैं और काफ़ी मशहूर है। और यहाँ की जो संस्कृति है जो कि बौद्ध संस्कृति है, और हिंदी भी काफ़ी तादाद में बोली जाती है। ये देखिए आप जो रोप पे वॉकिंग करती है लड़की जो है यहाँ की बाजार, और ये जो वो जगह है पेंगोंग शो लेक लद्दाख, जहाँ की आमिर खान की 3 डेट्स की शूटिंग हुई थी, और ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए झील का शांत पानी जो कि किसी के भी दिल को खुश कर सकता है, और यहाँ का जो रेगिस्तान है जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी ठंडा रेगिस्तान जो कि सिर्फ यहीं पे मिलता है जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ के जो जानवर जो जीव जो हैं वो तो काफ़ी इसी अनुकूल ढले हुए हैं, और जो मोनेस्ट्री जो है लद्दाख की वो काफ़ी पुरानी है, और यहाँ की जो सभ्यता है वो तिब्बत से आयातित आप उनको मान सकते हैं। और लद्दाख क्षेत्र में मूलतः बौद्ध धर्म की मान्यता है, इसलिए यहाँ की संस्कृति और तीज त्यौहार उसी के अनुरूप होते हैं। पूरे इलाके में हर तरफ आपको बौद्ध मठ देखने को मिल जाएंगे, उनमें से ज़्यादातर इतिहास की धरोहर है। ज़्यादातर बड़े मठों में हर साल अपने अपने आयोजन होते हैं। तिब्बती उत्सव आमतौर पर काफ़ी जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मुखौटे और अलग अलग भेष बनाकर किए जाने वाले नृत्य नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य यहाँ की संस्कृति का प्रमुख अंग है। और यहाँ की बौद्ध परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन हेमिस का होता है। तो प्रकृति की इस बेमिसाल तस्वीर के नज़ारे आपकी आंखों को कभी थकने नहीं देते, लेकिन उसके अलावा भी बौद्ध संस्कृति की अनमोल विरासत यहाँ मौजूद है। यहाँ देखने की ज़्यादातर चीज़ें इसी से जुड़ी है, चाहे वो पुराने राजमहल हों, मठ हों, मंदिर या फिर संग्रहालय। लेह के आसपास के कई गाँवों में इस तरह के मठ मिल जाएंगे। इस तरह का ज़्यादातर निर्माण 14वीं सदी में 16वीं सदी के बीच लद्दाख के धर्म राजाओं ने कराया था। हालांकि अधिकतर मठ व महल जर्जर अवस्था में है, और उनके मूल निर्माण का कुछ हिस्सा ही आज सलामत है, लेकिन फिर भी वे इतिहास के एक दौर की पूरी कहानी कहते हैं। यहाँ के जनजीवन में देखने लायक सबसे अनोखी बात द्रोक्पा गाँव है। भारतीय क्षेत्र में कुल 5 द्रोक्पा गाँव हैं, जिनमें से केवल 2 ही में विदेशी पर्यटकों को जाने की इजाज़त है। और दोस्तों, जो द्रोक्पा गाँव जो है वो लेह से 150 से 170 किलोमीटर आगे है, और यहाँ के जो सबसे खूबसूरती जो है, क्योंकि इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, यानी और हाई पासेज लैंड भी बोलते हैं इसको, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ की जो ऊंची चोटियाँ हैं जो ट्रैकिंग के लिए इनके लिए तो आप बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है, तो आप ज़रूर आना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।